नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों यहां पर आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2023 में सभी 10 टीमों के ओपनर्स के बारे में। और दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन सी है वो 5 टीमें जिनके ओपनर जो है वो बदल चुके हैं। अब दोस्तों कौन से हुए हैं, कौन से बने हैं सभी टीमों के ओपनर्स, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में पूरा विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक IPL के तगड़े वाले फैन हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर वही पुरानी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मज़ेदार वीडियोस आ रही हैं। दोस्तों हम 4 टीमों का स्वॉट एनालिसिस कर चुके हैं और बाकी बची हुई 6 टीमों का स्वॉट एनालिसिस भी हम जल्द डालने वाले हैं। मे बी आज 2 या 3 टीमों का स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा और उसके बाद कल जो है वो बची हुई 3 टीमें जो हैं, वो 4 या 3 टीमें जो हैं उनका शॉर्ट एनालिसिस आ जाएगा। उसके बाद में हम प्लेइंग 11 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी और वो जो पुराना डेली न्यूज़ अड्डा वाला फॉर्म था ना, वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो भैया जिन्होंने भी चैनल को देखना बंद कर दिया है वो ज़रूर से आइए और देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइज़र्स हैदराबाद की। तो दोस्तों हैदराबाद की टीम के पर्स में काफ़ी सारे पैसे अभी बचे हुए हैं और उसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग भी कर ली है। इन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर खरीदे हैं। जहां पर दोस्तों इनके ओपनर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर होंगे अभिषेक शर्मा और इनके साथ में ओपन करेंगे मयंक अग्रवाल। जी हाँ, मयंक अग्रवाल को इन्होंने 8.25 करोड़ के समथिंग खरीदा है और यही इनके ओपनर रहने वाले हैं अभिषेक शर्मा के साथ में। दोस्तों दोनों ही काफ़ी ताबड़तोड़ ओपनर खिलाड़ी हैं और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों की अगर रेटिंग की बात करें ना, इनकी ओपनिंग की रेटिंग की, तो काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब 9.5 नंबर 10 में से आप इनको दे सकते हैं, ऐसे अग्रेसिव बैट्समैन हैं। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो पिछले साल केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने ओपन किया था, इस साल भी केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ही ओपन करने वाले हैं और इनकी जोड़ी को मैंने दिए 10 में से 9 नंबर, क्योंकि राहुल की फॉर्म कुछ ठीक नहीं है इसीलिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर नाम आता है पंजाब किंग्स का। पंजाब किंग्स की अगर बात की जाए तो शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ये रहने वाली है इनकी इस बार की प्लेइंग 11। पिछली बार दोस्तों मयंक अग्रवाल थे तो यहाँ पर डेफिनेटली इनकी प्लेइंग 11 कप्तान दोनों चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर नई जो ओपनिंग होगी वो होगी दोस्तों शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। और इनकी दोस्तों अगर रेटिंग की बात की जाए तो इनको भी मैंने 10 में से 9.5 नंबर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की तरफ से दोस्तों पिछले साल की ओपनिंग कुछ अलग थी और इस साल की ओपनिंग कुछ अलग होगी। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर का नाम तो सेम रहेगा लेकिन उनके साथ में नारायण जगदीशन जो है वो ओपन करने वाले हैं केकेआर के लिए और इनको मैंने दिए हैं 10 में से 9 नंबर। इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग की बात करें तो पिछले साल जायसवाल और बटलर ने ओपनिंग की थी, इस साल भी बटलर और जायसवाल ही ओपन करने वाले हैं। अगले नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स का नाम आता है। दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग की बात करें तो वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पिछले साल भी ओपनिंग की थी और इस साल भी वार्नर और पृथ्वी शॉ ही ओपन करने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 8.5 नंबर इनको देंगे हम ओपनिंग के मामले में, क्योंकि जायसवाल उतना अच्छा ओपनिंग करते नहीं है। और दिल्ली की ओपनिंग की बात करें तो इनको 10 में से 9 नंबर मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी शॉ अग्रेसिव खेलते हैं लेकिन वार्नर उतना अग्रेसिव पावर प्ले में खेलते नहीं है। इसके बाद दोस्तों मुंबई इंडियंस की ओपनिंग की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा और ईशान किशन जो है वो पिछले साल इनके ओपनर थे और इस साल भी यही इनके ओपनर रहने वाले हैं और इनको हमने दिए हैं 10 में से 9 नंबर। वो इसलिए क्योंकि रोहित का फॉर्म कुछ खास नहीं है, ईशान किशन ने हाल ही में दोहरा शतक जड़ाया तो उनकी वजह से इनको 10 में से 9 नंबर मिले हैं। इसके बाद गुजरात टाइटन्स की बात की जाए तो शुभमन गिल तो पिछले साल भी ओपन करे थे उन्होंने लेकिन उनके साथ में एक खिलाड़ी चेंज होगा, वो होंगे केन विलियमसन। दोस्तों केन विलियमसन और शुभमन गिल जो है वो ओपन करने वाले हैं और इनकी रेटिंग की अगर बात करें तो जिस तरह के ये खिलाड़ी हैं उस हिसाब से इनको हमने 10 में से 8.5 नंबर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अग्रेसिव खिलाड़ी हो सकता है ओपनिंग में, अब वो कौन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद दोस्तों RCB की ओपनिंग की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली जो है वो ओपन करने वाले हैं और इनको भी हमने दोस्तों 10 में से 9 नंबर दिए हैं क्योंकि वो कोई ज़्यादा पिंच हिटर दोनों खिलाड़ी नहीं है, दोनों अलोंग द ग्राउंड और मतलब टैक्टिकल प्लेयर्स हैं और अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं, तो इस वजह से 10 में से 9 नंबर हमने इनको दिए हैं। और इसके बाद चेन्नई की अगर ओपनिंग की बात करें तो यहाँ भी बदलाव होगा, बेन स्टोक्स के साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे और इनको भी हमने 10 में से 9 नंबर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी सभी 10 टीमों की ओपनिंग और उनकी रेटिंग। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।